जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो एक ठो कमेंट आया था आज कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका चैनल पे स्टूडेंट ग्रो नहीं कर रहा है। सभी के चैनल पे स्टूडेंट ग्रो कर रहा है और आपका चैनल पे स्टूडेंट ग्रो नहीं कर रहा है। तो हम उनका जवाब देना चाहते हैं कि शायद हमसे कोई गलती हो रहा होगा, ताकि हमें हमारा चैनल वो सभी बच्चे तक नहीं पहुंच रहे होंगे जो कि ये चैनल को समझ पाए। और यही बच्चे लोग 1 मिलियन भी सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकता है और यही बच्चे लोग 1K भी कर सकता है। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग ये चैनल कहाँ तक ले जाना है। तो आप लोग ये चैनल से प्यार करते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार को जल्द से जल्द बड़ा कीजिए। तो आज का हम इस वीडियो में वही कमेंट के कारण हम आज एक तो ऐसा टॉपिक लाए जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये टॉपिक जो दिख रहा है आप लोग को, अपने मित्र को एक पत्र लिखना जिसमें आपको इतना लिखने के बाद 5 नंबर आएगा। कितना आएगा? तो 5 नंबर। तो हम इतना लिखते तो आपका ज्यादा टाइम जाता और हमारा वीडियो भी लंबा हो जाता और आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट से 5 से 6 मिनट में ये वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5 मिनट के वीडियो में आप लोगों को 5 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें किसी मनोरंजन घटना का वर्णन किया गया। मतलब कि ऐसा पत्र लिखना कि उसमें आप कहीं भी गए हैं या कुछ भी हुआ उसमें मनोरंजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपना मित्र का नाम लिखना। यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, अपना मित्र का नाम लिखना, प्रिय मित्र। जैसे हमारा मान लेते हैं मित्र है मोनू, तो मोनू लिख दिया। अब ये साइड जैसे हमारा बोर्ड के अंतिम में लिखे तो आप लोग अपना कॉपी के अंतिम में लिखिएगा तिथि, और जहां से आप लोग बिलोंग करते हो वो यहाँ उसके नीचे लिख देना। ठीक है, तिथि आप लोग जरूर भरिएगा, नहीं तो आप लोग को नंबर कट सकता है। तो आप लोग तिथि जरूर भरिएगा। उसके बाद लिखना है नमस्कार, उसके बाद नमस्कार लिखना है। ठीक है, अब लिखना है मैं, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ मैं सकुशल, मतलब कि मैं अच्छी तरह से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार चैन की बांसुरी बजा रही होगी। मतलब कि हम अपने दोस्त के पास जो पत्र लिखे हैं उसमें कहना है कि तुम तो खुश होगा ही होगा, मतलब हमारे दोस्त, और तुम्हारे परिवार भी सभी बांसुरी बजा रहे हो, खुशी की बांसुरी, ठीक है, बजा रहे होंगे। पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह परिवार में एक नाटक का आयोजन किया गया था। मतलब कि पिछले सप्ताह में हमारे परिवार के लोग ही एक नाटक का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री आमंत्रित थे। मतलब कि ये जो सबसे शुरू में आते हैं रिबन काटने के लिए, तो वो आए थे मुख्यमंत्री जी। निर्धारित समय अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मतलब कि निर्धारित समय जो तिथि जो टाइम दिया गया था कि 8 बजे से होगा शुरू, तो 8 बजे से ही शुरू हुआ होगा। चाहे आप लोग अपने अपने गांव या शहर में नाचने के लिए नाच होता है तो देखने के लिए जाते होंगे, तो बोलते रहता है 8 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद आता है नाचने वाला या गाने वाला। तो वहां पे ये नहीं हुआ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री आमंत्रित थे, निर्धारित समय अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अतिथि महोदय का भाषण का उपरांत नाटक का मंचन हुआ। मतलब कि जब मुख्यमंत्री जी आए थे जो भाषण दे दिए उसके बाद नाटक शुरू हो गया। मंच प्रहसन के मंचन से सभी लोग लोटपोट हो गए। मतलब कि इतना खतरनाक से वो नाटक हुआ कि सभी लोग को हंसी खुशी, मतलब लोटपोट हो गए। और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी लोग का मनोरंजन हुआ। मतलब कि वो जो नाटक हुआ था उससे सभी लोग प्रसन्न हुए और सभी लोग खुश हुए। इस तरह सप्ताह का दिन सकुशल स्कूल के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मतलब स्कूल के लिए महत्वपूर्ण रहा। सभी बड़ों प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। ये जो शब्द है ये आप लोग जरूर लिखिएगा। यदि आप लोग को इतना ध्यान में नहीं है तो आप लोग अंतिम में ये वाला जरूर लिखिएगा, सभी बड़ों का प्रणाम और छोटों का शुभ प्यार। ये क्या होता है कि आप लोग रिस्पेक्ट से लिखें, जो कॉपी जांच रहा है तो उनको भी लगता है कि नहीं ये बच्चा रिस्पेक्ट से लिखा है तो ये बच्चा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जरूर लिखिएगा, सभी बड़ों प्रणाम और छोटों का शुभ प्यार। अब उसके नीचे लिखना है तुम्हारा मित्र। मतलब कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है? तो अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जो भी नाम हो
ये लिख देना है, ठीक है। तो यही था आप लोग को, इतना में आप लोग को पांच नंबर दे दिया जाएगा, इतना आप लोग लिखिएगा तो पांच नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए, और आप लोग वो कमेंट पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आप ही लोग 1 मिलियन कर सकते हैं, और आप ही लोग 1K कर सकते हैं, और आप ही लोग 0 भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है, तो आप लोग ये सभी अपना अपना सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।